खरगोन जिले में एक बड़ा अजीब ही मामला सामने आया है, जहां पुलिस के लिए उस समय बड़ी विकट स्थिति बन गई जब नदी में एक अज्ञात शव को निकालने के लिए पुलिस जिस तैराक को लेकर पहुंची थी वही नदी में डूब गया। बाकुर नदी पर करबला क्षेत्र में अज्ञात युवक की लाश को निकालने के लिए ASI शुक्ला, आरक्षक नरेंद्र चंदेल, नगर पालिका के कर्मचारी और तैराक गणेश पिता बाबूलाल यादव नदी किनारे पहुंचे। अज्ञात युवक की लाश पानी पर दिख रही थी, जैसे निकालने के लिए तैराक गणेश यादव ने पानी में कपड़े उतार कर छलांग लगाई। पानी के नीचे जलकुंभी थी, गणेश पानी के नीचे गया मगर बाहर नहीं आ पाया। उसे बचाने के लिए आरक्षक नरेंद्र चंदेल भी कूदा, उसके पैर भी जलकुंभी में उलझे। उसने सहयोग के लिए आवाज दी। नगर पालिका कर्मचारियों ने पानी में रस्सी डालकर चंदेल को बाहर खींच लिया। इस बीच गणेश पिता बाबूलाल यादव डूब गया था। उसके पश्चात नगर पालिका कर्मचारियों ने बांस और लकड़ी के सहारे अज्ञात युवक के शव को बाहर निकाला। शव 3-4 दिन पुराना था, जिसे सिविल अस्पताल भेजा। घटना के 1 घंटे बाद ओमकारेश्वर के तैराक कालूराम केवट और तुकाराम केवट ने गणेश के शव को नदी से बाहर निकाला। गणेश के परिजनों का कहना है कि पुलिस वाले गणेश को शव निकालने के लिए साथ में लेकर गए थे। पानी में बिना साधन के आरक्षक नरेंद्र चंदेल और गणेश दोनों नदी में कूदे। गणेश जलकुंभी में उलझ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गणेश गरीब परिवार का है, उसने पुलिस की मदद की थी और अपनी जान गंवा बैठे। उसे पुलिस ने आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने हंगामा किया और PM करने से रोका। मौके पर तहसीलदार शिवराम कना से पहुंचे। उन्होंने समझाया कि नदी में डूबने से मौत होने पर शासन की ओर से 4 लाख की सहायता दी जाती है। मृतक गणेश के चचेरे भाई रवि यादव ने बताया कि गणेश पुलिस की मदद करने ही गया था और वो डूब गया। तहसीलदार साहब के आश्वासन पर PM कराकर अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। समथिंग पानी है, बाकी जलकुंभी होने का कारण शव जो चारा है पानी का उसके अंदर लपटा हुआ था, तो उसमें ही थोड़ी समस्या आई थी निकालने में। बाकी 10 मिनट में शव निकाल दिया था हमारे तुकाराम भाई गोताखोर ने। कितने लोग थे आपके साथ में? हम सिर्फ 2 ही आए थे ओंकारेश्वर से, और एक भतीजा आया था साथ में। तो 3 लोग कूदे थे कि 2 ही? नहीं, हम 2 ही कूदे थे। शव निकाल दिया, अंदर कुछ फंसा हुआ था क्या शव के नीचे? ये चारा जो है पानी का उसमें लपटे, उसी के अंदर लपटा हुआ था। कितने नीचे था ये? 15-1 फीट के समथिंग। आप लोग कहाँ रहते हैं? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में प्राइवेट काम करते हैं कि सरकारी कर्मचारी है? ये तो डेली वेजेस पे नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारी है, और मैं तो पार्षद पति हूँ और समाज सेवा का काम भी करता हूँ, तो और घाट पे रहता हूँ। ये ओंकारेश्वर में हमारे जो जुड़े हुए आदमी है, जो भाई है, भतीजा है, ये ओंकारेश्वरी नाव वगैरह चलाते हैं हमारे साथ में। तो इनके पास रिलेटिव है सामाजिक लोगों के हिसाब से, इनके पास जानकारी आई थी तो ये हमको लेके आया था। पुलिस विभाग से आपको नहीं बुलवाया गया था? नहीं, अभी इसमें पुलिस संज्ञान में कोई जानकारी नहीं थी हमारे पास। नाम आपका? कालूराम केवट। आपके साथ में जो काम है? वो तुकाराम भाई केवट गोताखोर। जैसे कि अभी जानकारी मिली है तो इनके डूबने से मृत्यु हुई है। इस संबंध में हमारे RBC 6-4 का जो प्रावधान है, शासन का जो प्रावधान है, उसमें इसमें 4 लाख देने का प्रावधान है। डूबने से मृत्यु होती है तो उसके परिवार के वेद वारिसों को 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। गणेश को भी उसके परिवार को देंगे? हाँ, डूबने से मृत्यु हुई है तो उसको भी प्रकरण बना के SDM साहब के वहाँ भेज दिया जाएगा। रात में तस्दीक करके आ जाओ, तो रात में आए तो रात में इधर चेक करके गए थे, कोई दिखा नहीं। उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह में मैंने कहा चलो देखाते हैं, तो मैंने उसको रात में तो उसको लिया था, मनोज को, मनोज के यहाँ लिया, फिर ये नरेन को लेके आ गया। मैंने चलो अपन देखाते हैं, तो देखा तो मैंने कहा तू एक काम कर, वहाँ जा और नगर पालिका वाले बुला लो, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ बाहर। हाँ हाँ, मतलब बाहर निकालना उसको, सीधे उसको निकालना है, दिख गया तो निकालना। रिस्क्यूटी मैंने कहा ऐसे ही मत लाना, कोई पाइप वाइप लाना, क्योंकि उसमें कंजी ज़्यादा है और निकलना नहीं है। और कोई रास्ता भी नहीं था ना? और कोई रास्ता ही नहीं। ये गणेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।